नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। हालांकि बहुचर्चित सीट नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1,957 वोटों से चुनाव हार गई। बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें शिकस्त दी है। पश्चिम बंगाल में सबसे दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम सीट पर था। शुरुआत में काफी देर तक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे थे। सोलह राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी लगभग 8,000 वोट से आगे निकल गई। हालांकि इसके बाद एक बार फिर ऐसा समय आया जब शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए। आखिरकार अंत तक शुभेंदु अधिकारी जीत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन टीएमसी ने फिर से मतगणना की मांग की है। बंगाल की जीत पर ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम की बात भूल जाइए, मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ी क्योंकि यहां मैंने एक आंदोलन चलाया था, जो भी है ठीक है। ममता ने कहा, मुझे नंदीग्राम की जनता का फैसला मंजूर है। हम लोगों ने 212 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी को भारी शिकस्त मिली है। ममता बनर्जी को जीत के लिए पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाया कि कोरोना की लड़ाई में केंद्र बंगाल का पूरा साथ देगा। बंगाल में टीएमसी की प्रचंड जीत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दी बधाई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं शुभकामनाएं देता हूं, खुश हूं, ममता जी और बंगाल के लोगों ने बीजेपी को शानदार मात दी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन किल्लत का मसला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन का आवंटित कोटा नहीं मिल रहा है। अन्य राज्यों के विपरीत दिल्ली को वे नहीं मिल रहा है जिसके उन्हें जरूरत है। केंद्र ने हमें अपने यहाँ टैंकर मंगाने को कहा है, हमें टैंकर कहाँ से मिलेंगे। उधर तीन बड़े अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अस्पतालों की आवश्यकताओं को तुरंत देखने के लिए कहा। दिल्ली के सीताराम भारती अस्पताल, वेंकटेश्वर अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन लाजपत नगर ने हाईकोर्ट को बताया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत है। वहीं दिल्ली सरकार की दलील और केंद्र की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राजधानी को प्राप्त ऑक्सीजन आपूर्ति पर केंद्र और दिल्ली सरकार के आंकड़ों के बीच विसंगतियां हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी दवा या उपकरण एमआरपी से अधिक दाम पर न बेचा जाए। इस समय नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने दिल्ली के लिए जो किया वो केंद्र के मुकाबले बेहतर है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि हमने 20 MT, 25 MT, 20 MT, 26 MT और 12 MT, 16 MT और 15 MT 7 टैंकर मिले हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें केंद्र पर जिम्मेदारी डालने पर आपत्ति है। कई गैर औद्योगिक राज्य हैं जो खुद ही ऑक्सीजन टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को कुछ नई सोच की जरूरत है। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की है जिसमें कहा गया है कि वे हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को वापस ले लें, कम से कम अवमानना का हिस्सा आदेश से हटाया जाए। हालांकि दिल्ली सरकार ने कल के आदेश को वापस लेने के लिए केंद्र के आवेदन का विरोध किया। हाईकोर्ट ने कल केंद्र को दिल्ली के लिए हर हाल में ऑक्सीजन देने का आदेश दिया था। दरअसल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि पानी अब सिर से ऊपर चला गया है, किसी भी हाल में 490 MT ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो अदालत की अवमानना मानी जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है, मौतें बढ़ती जा रही हैं। ज्यादातर मौतों के पीछे वजह ऑक्सीजन की कमी को माना जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार अब नाइट्रोजन के जरिए ऑक्सीजन बनाने पर काम कर रही है ताकि ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। मोदी सरकार ऐसे नाइट्रोजन प्लांट्स की पहचान कर रही है जिसे ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में बदला जा सके। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक 14 नाइट्रोजन प्लांट्स की पहचान कर ली है, 37 प्लांट्स की पहचान होनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर रिव्यू मीटिंग की। सरकार की योजना है कि जिन नाइट्रोजन प्लांट्स को ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए तब्दील किया जाएगा उन्हें किसी अस्पताल के आसपास ही शिफ्ट किया जा सकता है। सरकार के प्लान के मुताबिक अगर शिफ्ट करना मुश्किल होगा तो इसका इस्तेमाल कर ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, जिसे सिलेंडर या टैंकरों के जरिए अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकता है।
नाइट्रोजन प्लांट्स को ऑक्सीजन बनाने के लिए तब्दील करने के प्रोसेस को लेकर बताया गया कि नाइट्रोजन प्लांट्स में कार्बन मॉलिक्यूलर सीव का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन बनाने के लिए जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव की जरूरत होती है। इसलिए सीएमएस को जेडएमएस के साथ बदलकर और कुछ अन्य बदलावों के जरिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। हरियाणा में 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केस पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का कदम उठाया। सूबे के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य में 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। हरियाणा में 3 मई से 7 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले को लेकर विज ने जानकारी दी। स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, लिहाजा हमने 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन कर दिया। पिछले लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के साथ पाबंदियों को लेकर कहा कि इस लॉकडाउन में पहले की तरह सिर्फ एसेंशियल सर्विस को छूट दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने तमाम जिलों में कोरोना को लेकर सीनियर आईएएस अधिकारियों को कमान सौंपी है। सिरसा में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत गर्ग मॉनिटरिंग करेंगे। सीएम मनोहर लाल कई जिलों के दौरे पर रहे। भिवानी में भी सीएम ने नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ना तो वैक्सीन की कमी है और ना ही ऑक्सीजन की कमी है। भिवानी का कोटा 2.5 मैट्रिक टन से बढ़ाकर किया गया है 3.5 मैट्रिक टन। सीएम ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत थी, लिहाजा 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हालात ठीक रहें तो 1-2 दिन में भी अनलॉक किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे सीएम मनोहर लाल ने सर्किट हाउस में कोरोना को लेकर जिले के सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि सभी मिलकर टीम वर्क के तौर पर काम करें। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कोविड चरम पर है, ऑक्सीजन का कोटा पर्याप्त है लेकिन वितरण में कुछ कठिनाई है। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन को चाहे एरोप्लेन हो या फिर ट्रेन, ऑक्सीजन की सप्लाई हर जरूरतमंद तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा आ रहे मरीज के बारे में सीएम ने कहा कि पीड़ित की कोशिश करता है क्योंकि उसे संभव जगह से अच्छा इलाज मिल सके। सीएम ने कहा कि लेकिन जरूरतमंद लोगों को ही इलाज के लिए यहां आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से एम्बुलेंस के रेट में हो रही धांधली रोकने के लिए एम्बुलेंस का रेट फिक्स करने के निर्देश दिए। सीएम ने प्रशासन के साथ आईएमए से मिलकर निजी अस्पतालों में कोविड 19 मरीजों के बेड रेट्स भी तय करने की बात कही। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 3 जच्चा बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पहली डोज सेक्टर 8 की रहने वाली निष्ठा को लगाई गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं ताकि वे सुरक्षित रह सकें। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश प्रदेश की सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं और बीमार व्यक्तियों को जरूरत की ऑक्सीजन और दवाई देने के लिए आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री शर्मा ने लोगों से अपील की है कि जान है तो जहान है, इसीलिए सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। इस मौके पर डॉक्टर शशि गांधी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में 153 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था जिन्हें पहली डोज दी गई। कैथल उपायुक्त सुजान सिंह ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जनहित में शनिवार सायं 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान किसी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर किसी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में कहीं आवागमन करना है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। जनता कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 से 6 बजे तक दूध की सप्लाई की जा सकेगी। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, सरकारी कार्यों में अधिकारियों और कर्मचारियों का आवागमन मीडिया को छूट दी गई है। डीसी ने कहा कि इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। सब्जी मंडी, फ्रूट की रेहड़ियां भी बंद हैं। ये फैसला विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों और सामाजिक और धार्मिक संस्थानों से मंत्रणा करने के बाद लिया गया। डीसी ने कहा कि फैसले के पीछे का मकसद जिला में संक्रमण की चेन को तोड़ना है। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में भी दूसरे जिलों की तरह हालात बिगड़ने की संभावना है। इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए डीसी राहुल नरवाल ने बताया कि जरूरत से आधी ऑक्सीजन मिल रही है, सरकार से कोटा बढ़ाने की मांग की गई है।
इसी के मुताबिक जिले में ऑक्सीजन की जितनी मांग है उसका आधा कोटा मिल रहा है। भिवानी प्लांट से चरखीदादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में भी सप्लाई होती है। भिवानी को 2.5 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई होती है। प्लांट संचालक भी कम आपूर्ति से परेशान है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है। सरकारी अस्पताल रादौर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई। टीकाकरण के प्रति युवाओं में जबरदस्त रुझान देखने को मिला। ऐसे में कुछ ही समय पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण कराने वालों को 2 दिन के बाद का समय मिल रहा है। रादौर सरकारी अस्पताल के SMO डॉक्टर विजय परामार ने बताया कि रादौर क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के प्रति बेहतर रुझान के चलते इस वक्त सभी सेंटर की क्षमता पूरी तरह से फुल हो चुकी है और अब लोग 4 तारीख के लिए पंजीकरण कर रहे हैं। टीकाकरण के बाद पत्रकारों से बातचीत में युवाओं ने वैक्सीनेशन कराने के लिए सभी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी डर के कोरोना की चेन तोड़ने और इससे बचाव के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। सिरसा में कोरोना से एक महिला समेत 4 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से जिले में 176 कुल मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में 557 मरीजों की संक्रमित मिले। सिरसा जिले में 3,424 एक्टिव कोरोना केस मिले। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 15,353 तक पहुंच गई। 267 मरीज रिकवर हुए। सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जानकारी दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने अनाज मंडी का दौरा किया। कृषि मंत्री ने मंडी में मौजूद आढ़तियों की समस्याएं सुनी। आढ़तियों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल को अपनी समस्याएं बताई। बताया जा रहा है कि आढ़तियों की परेशानी सुनने की जगह कृषि मंत्री जेपी दलाल बार बार आंकड़ों का हवाला देकर सारी व्यवस्थाओं के दुरुस्त और चुस्त होने का दावा करते रहे। आढ़तियों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल को बार बार कहा कि किसानों की पेमेंट समय पर नहीं हो रही है, ना ही लिफ्टिंग अच्छे से हो रही है और उन्हें बारदाने के लिए प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल सरकार की किसी अव्यवस्थाओं को कोई खामी न मानने के लिए तैयार नहीं दिखे। बकौल कृषि मंत्री, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, पहली बार ऐतिहासिक खरीद हो रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहली बार इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ खरीद हुई है। अब तक 83 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें 90% किसानों की पेमेंट हो चुकी है। जेपी दलाल ने कहा कि जिन्हें पैसा नहीं मिला है उन्हें सरकार पहली बार 9% ब्याज के साथ पैसा सीधा किसान के खाते में देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी बहुत कहीं व्यवस्थाओं में कमी है तो उसे दुरुस्त भी किया जाएगा। जेपी दलाल ने कहा कि जिन किसानों की पेमेंट रुकी हुई है उनमें से भी 2/3 किसानों को ब्याज समेत पैसा पहुंचाना शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन को लेकर जेपी दलाल ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर मीडिया उनके बयानों से सुर्खियां बटोरना चाहती है और उनके बयान मीडिया की खुराक की तरह है। जेपी दलाल ने कहा कि उन्हें किसानों से डर लगता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक मीडिया ऐसे सवालों से विवाद पैदा करना चाहती है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंडियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। जेपी दलाल ने कहा कि मंडियों में ऐसे ही पारदर्शिता से खरीद भी होती रहेगी और प्रदेश की सरकार किसान भाइयों की भलाई के लिए तमाम योजनाएं भी लागू कर रही है। अंबाला पुलिस ने बिना अनुमति कार्यक्रम करने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत और उनके भांजे समेत 14 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कर की है। कई अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। भिवानी में किसानों ने जमकर बवाल किया। तिगलाना मोड पर किसानों ने CM के दौरे के चलते किसानों को रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान बड़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद रहीं। नारनौर DSP ने लोगों को शारीरिक दूरी रखने और मास्क के प्रयोग के साथ साथ भीड़ वाले स्थानों से बचने की जरूरत के साथ ही खाना और खाने से पहले और समय समय पर अपने हाथों को जरूर धोने की आग्रह की। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन करें और जरूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकले। वे सरकार द्वारा जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसे जरूर लगवाएं। यदि कोई कोरोना महामारी के लेकर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। हुडा सेक्टर सहित क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर संक्रमण के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सभी जोन में अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। SDM जयवीर यादव ने हुडा में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और घरों से बाहर निकल रहे लोगों को बेवजह बाहर आने से रोका। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं, नंबर भी जारी कर दिए गए हैं।
गुरुग्राम में कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। जिला प्रशासन ने 70 से ज्यादा रिहायशी कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई स्थितियों के चलते भारत को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ रहा है। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और स्वास्थ्य ढांचा चरमराने के बाद भारत ने विदेशों से उपहार दान और मदद स्वीकार करना शुरू कर दिया। बाहरी देशों से मदद लेने के मामले में कई और बदलाव भी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से मदद लेने को लेकर नई दिल्ली अभी तक मानसिक रूप से तैयार नहीं है, हालांकि मदद नहीं लेने की बात चल रही है। इसके अलावा राज्य सरकारें विदेशी एजेंसियों से जीवन रक्षक उपकरणों और दवाओं की खरीद के लिए भी स्वतंत्र हैं और केंद्र सरकार रास्ते में नहीं आएगी। मोदी सरकार का ये कदम सालों पुरानी उस नीति के उलट है, जिसके तहत भारत अपनी आत्मनिर्भर और स्वयं की उभरती हुई शक्ति वाली छवि पर जोर देता है। ये पिछले 16 वर्षों की नीति से एक उल्लेखनीय बदलाव है। इंद्री पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल बीबीपुर ब्राह्मण गांव में रहने वाला कमल नाम का युवक 23 मार्च से लापता था। 26 मार्च को उसका शव पेड़ से लटका मिला। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस को शिकायत की थी। एक महीने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि जिन लोगों पर शक जताया गया है पुलिस ने उनसे पूछताछ तक नहीं की और जब पीड़ित पक्ष ने दबाव बनाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में विधायक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करनाल हाईवे पर तरावड़ी के पास 18 अप्रैल को बोरे में एक लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस को सफलता मिली है। जिस युवक की लाश है उसकी पहचान हो चुकी है। निक्की की दिल्ली में हत्या की गई थी और फिर उसे करनाल में फेंका गया था। नेशनल हाईवे पर तरावड़ी पुलिस को बोरे में बंधा हुआ शव मिला था। निक्की अपने फ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था। इस दौरान लड़की के घर वालों ने उसे देख कर लिया और उसकी हत्या कर दी। कैथल के गोलाचीका में लोगों को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। वार्ड के लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से उन्हें पानी की समस्या है। लोगों ने परेशान होकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। फरीदाबाद के एसजीएम नगर में 2 मंजिला मकान में इन्वर्टर की बैटरी फट गई। बैटरी फटने की वजह से आग लग गई। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने अब ब्रिटेन के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।